कानपुर जिले के शाहपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि शाहपुर पुलिस ने 10 अवैध पिस्टल लेकर जा रहे एक आरोपी को सिंधखेड़ा गांव से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले को लेकर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से एक मोटरसाइकिल सहित 2 लाख रुपए कीमत की अवैध हस्तनिर्मित पिस्टल जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी ठाकुर सिंह के पिता और भाई भी इसी व्यवसाय में शामिल है और उनके खिलाफ खकनाव थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज। मैं शाहपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ठाकुर पिता बराड़ नामक व्यक्ति है, अवैध पिस्टलों की खेप की सप्लाई देने के लिए वहाँ गया था। उनकी सूचना ऐसी थी, उस पर पुलिस के द्वारा टीम का गठन किया गया। उस सिंधखेड़ा जो थाना शाहपुर में है वहाँ पर उस व्यक्ति को दबोचा गया और उसके बदले से 10 जो है अवैध हथियार देसी पिस्टल उसे जब्त किए गए।